किसानों के रेल रोको आंदोलन का 6वां दिन है। आपको बता दें कि इन 6 दिनों में सभी तरह की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, क्योंकि किसान पंजाब के शंभू रेलवे स्टेशन पर धरने पर बैठे हैं और जेल में बंद अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते अंबाला रेल मंडल से गुजरने वाले लगभग 788 ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं, जिनमें 352 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। वहीं अंबाला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की काफी भीड़ है। खासकर लंबी दूरी के यात्री अपने परिवार सहित छोटे छोटे बच्चों के साथ स्टेशन पर बैठने को मजबूर हैं। वहीं यात्रियों का कहना है कि कई घंटों से वे रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, जिस कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें सहारनपुर जाना है, हम गोवा से आए हैं। अभी जाना था जिस ट्रेन से, वो कैंसिल हुई, सहारनपुर से होके जाती। अभी दूसरी ट्रेन के लिए गए हैं मेरे हस्बैंड इंक्वायरी करने के लिए। नहीं, ये नहीं बताया, बस ऐसे कैंसिल हुई बोल रहे हैं। मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ परसों, आज 4 दिन हो गया। मैं चंडीगढ़ गया था और अंबाला से कहानी ऐसा हो गया है कि हर गाड़ी रद्द। आप बताइए, मैं सुबह 9-8 बजे से यहाँ प्लेटफार्म में भटक रहा हूँ, अभी तक कोई गाड़ी दिल्ली के लिए मिली नहीं रही है, न पुरानी दिल्ली की नई दिल्ली की। जिससे भी पूछताछ में जाता हूँ तो सब बोला रद्द, सब बोला रद्द। ये क्या मामला बना रखा है यार, जबकि पब्लिक के पैसे भी ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, फिर भी ये घोटालाबाजी कर रहे हो तुम लोग। अभी तो मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, गोरखपुर जानी है मेरे को। क्या बताया जा रहा है ट्रेन का? ट्रेन तो 4 घंटे लेट जा रही है जी, अभी ट्रेन का बहुत दिक्कत चल रही है, ट्रेन समय से आ नहीं रही है। स्टेशन पे है आप लेट हो? अभी वेट कर रहे हैं, ट्रेन का ही वेट कर रहे हैं सर, देख रहे हैं कितना समय में आ रही है। काफ़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। मुझे जाना है औरंगाबाद। कौन से आया? मैं आया हूँ नालागढ़ से। इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यही है कि बैक एंड से ही डिले आ रही है, 5-5, 6-6 घंटे सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं। सर कुछ ट्रेनें कैंसिल हैं, लेकिन जो मेरी ट्रेन है वो तो कैंसिल नहीं है। अब ये तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ जाते हैं इंक्वायरी सेंटर पे, इंक्वायरी सेंटर पे कोई कुछ नहीं बोलता। वहीं अंबाला रेल मंडल के सीनियर डीसीएम नवीन कुमार ने बताया कि अब तक के आंकड़ों के मुताबिक अंबाला मंडल से गुजरने वाली 788 रेलगाड़ियां प्रभावित हो रही हैं। अभी तक जो सुबह 10 बजे तक की पोजीशन है, उसमें लगभग 788 गाड़ियां प्रभावित हो चुकी हैं, मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर मिला के। जिसमें 152 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और 35 ट्रेनें शॉर्ट ओरिजिनेट और 40 शॉर्ट टर्मिनेट हुई हैं। अभी तक 352 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें डाइवर्ट हो चुकी हैं, तो कुल मिला के 580 के आसपास मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। इसके अलावा लगभग 209 पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिसमें 200 पैसेंजर ट्रेनें हमने कैंसिल करी हैं। तो कुल मिला के 788 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियाँ हैं जो कैंसिलेशन, डाइवर्जन, शॉर्ट टर्मिनेशन मिला के हैं। रूट डाइवर्जन मेन तो हमारा, जो भी गाड़ियाँ वाया सहारनपुर या दिल्ली होके आ रही हैं वो अम्बाला से चंडीगढ़, मोरिंडा, सानेवाल होते हुए लुधियाना, अमृतसर और जम्मू की तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं। और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो दिल्ली से ही डाइवर्ट होके जींद जाखल की ओर से धूरी होते हुए लुधियाना की तरफ जा रही है। सिमिलरली डाउन में भी कुछ गाड़ियाँ लुधियाना, धूरी, जाखल होके डाइवर्ट हो रही हैं। तो ये स्थिति मैं आपको अम्बाला डिवीजन की बता रहा हूँ, जो 788 गाड़ियाँ हैं जी, टोटल अम्बाला डिवीजन से जुड़ कर, जो इस रूट से जाने वाली थी लेकिन प्रभावित हुई। कि अगर चंडीगढ़ रूट बंद होता है तो लगभग फिर तो सारा ट्रैफिक यहाँ से बंद हो जाएगा, फिर एक ही रास्ता हमारे पास जाखल धूरी वाला बचता है। तो अभी मीटिंग चल रही है कि आउटकम आता है। हमने देखिए, परसों हमने चलाई थी यहाँ अम्बाला से सहरसा के लिए गाड़ी चलाई थी, जो रश के हिसाब से, और अगर फिर से ऐसा कुछ रश किसी डेस्टिनेशन के लिए होता है तो हम जरूर व्यवस्था करेंगे इसका। गौरतलब है कि किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करती है या नहीं, या फिर यात्रियों को इसी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।